नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहां डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एची हाई स्कूल, कोट रोड, गिरडी। जय मशीनरी स्टोर पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा, गिरिडीह। गिरिडीह के सभी 6 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की कल सुबह 8 बजे होगी मतगणना। 400 कर्मी अलग अलग राउंड में इस प्रक्रिया को करेंगे पूरा। पोस्टर बैलेट की होगी पहली मतगणना, पीसी ने दी जानकारी। बोड़ो स्थित बाजार समिति परिसर के 200 मीटर परिधि में लगाया गया निषेधाज्ञा। कल होने वाले विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर एसडीएम ने जारी किया आदेश। सुरक्षा बलों और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है पूरा ब्रजगिरी। चैता डी मातृत्व अस्पताल में पीडियाट्रिक वार्ड का सीएस वान ने अधिकारियों ने किया उद्घाटन। 0 से 12 साल के बच्चों को मिलेगा बेहतर इलाज, गंभीर अवस्था में भी होगा बच्चों का यही इलाज। बावनटोली मोड़ के समीप प्रतिबंधित मांस लोड एक टोटो को किया गया जब्त, चालक की कर दी धुनाई। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस, मांस समेत टोटो को किया जब्त, चालक से कर रही पूछताछ। और कल मतगणना के साथ ही प्रत्याशियों के सजेंगे सरपरताज। आज तक सभी प्रत्याशियों ने अपने अपनी जीत को लेकर ठोका दावा, कल ईवीएम खुलने के बाद होगा फैसला। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह के सभी 6 विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे मतगणना की प्रक्रिया की जानकारी शुक्रवार 12 बजे डीसी ऑफिस से दी गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेश लकड़ा ने बताया, धनबार में 21 राउंड में मतगणना होगी जिसमें 18 टेबल होंगे। बगोदर 24 राउंड में मतगणना होगी जिसमें 20 टेबल होगी। जमुआ 21 राउंड में मतगणना होगी जिसमें 18 टेबल होंगे। गांडे 21 राउंड में मतगणना होगी जिसमें 18 टेबल होंगे। डुमरी 24 राउंड में मतगणना होगी जिसमें 18 टेबल होंगे। वहीं गिरिडीह विधानसभा में 21 राउंड में मतगणना होगी जिसमें 18 टेबल होंगे। साथ ही सभी विधानसभा में अलग अलग निर्वाचित पदाधिकारी, सहायक निर्वाचित पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। धनबार, खोरी, महुआ एसडीओ अनिमेश रंजन गिरिडीह तीसरी और गांवा सीओ, बगोदर सरिया एसडीओ संतोष गुप्ता, बिरनी सरिया और बगोदर सीओ, जमुआ अपार समर्थ विजय सिंह, गिलुआ देवरी जमुआ सीओ और जमुआ बीडीओ, गांडे जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समतानी बेंगाबाद गांडे सीओ, गांडे बीडीओ गिरिडीह विधानसभा में गिरिडीह एसडीओ श्रीकांत व विस्पूते गिरिडीह पीरटार सीओ और गिरिडीह बीडीओ, डुमरी विधानसभा में डुमरी एसडीओ शहजाद प्रवेज, डुमरी नावाडी सीओ और डुमरी बीडीओ सभी टेबलों पर मुस्तैद नजर आएंगे। उत्पादन बाजार समिति परिसर में शनिवार दिन भर के लिए निषेधाज्ञा लगाया गया है। शुक्रवार 12 बजे इसकी जानकारी डीसी ऑफिस से दी गई। यहां शनिवार को विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। यहां 200 मीटर की परिधि में भीड़ भाड़ नहीं रह सकती है। बताया गया कि मतगणना के दौरान प्रत्याशियों एवं उनके कार्यकर्ता द्वारा भीड़ भाड़ इकट्ठा करने व जुलूस निकालने की प्रबल संभावना है, जिससे मतगणना प्रभावित न हो एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। इसी के निमित्त अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह श्रीकांत यशवंत विस्पूते के द्वारा बीएनएस की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए गिरिडीह पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत मतगणना केंद्र कृषि उत्पादन बाजार समिति के चारों तरफ
200 मीटर क्षेत्र तक निषेधाज्ञा जारी किया गया है। निषेधाज्ञा क्षेत्र के अंतर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ एकत्रित होना, लाठी भाला पारंपरिक अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध है। संपूर्ण निषेधाज्ञा क्षेत्र में विधि व्यवस्था शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु किसी भी व्यक्ति को अपने अनुज्ञप्ति प्राप्त शस्त्र को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध है। बिना अनुमति के जुलूस धरना प्रदर्शन सड़क जाम करने पर प्रतिबंध है। किसी सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है। वहीं भड़काऊ एवं आपत्तिजनक कटआउट होर्डिंग बैनर झंडा आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। साथ ही किसी भी धर्म जाति व्यक्ति विशेष पर धार्मिक टिप्पणी एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट किसी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप आदि के विरुद्ध प्रतिबंध लगाया जाता है। चैताड़ी अस्पताल में शुक्रवार को 12 बजे पीडियाट्रिक वार्ड का उद्घाटन सिविल सर्जन और अन्य संबंधित अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मौके पर DRCHO, DTO, DPM समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बताया गया कि पीडियाट्रिक वार्ड के माध्यम से 0 से 12 साल तक के बीमार बच्चों का बेहतर इलाज किया जाएगा। इस पीडियाट्रिक वार्ड में सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, सभी उपकरणों से सुसज्जित किया गया है ताकि एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इस केंद्र में ICU और सामान्य बेड दोनों की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे बच्चों को त्वरित और प्रभावी इलाज मिल सके। इस पहल से बच्चों को इलाज के लिए बार बार अस्पतालों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें बेहतर उपचार मिलेगा। शहर के बाभन टोली मोड़ के समीप शुक्रवार को 10 बजे एक टोटो में प्रतिबंधित मांस मिली, जिसके बाद पुलिस ने टोटो को जब्त करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि सूचना मिलते ही नगर और मुफस्सिल थाना की पुलिस की टीम ने मौके पर प्रतिबंधित मांस लदे टोटो और उस पर सवार एक युवक को पकड़कर थाना ले गई। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसके बाद स्थानीय युवकों ने खदेड़ कर टोटो चालक को पकड़ा और टोटो की तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। इसके बाद लोगों ने उक्त युवक की जमकर धुनाई करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद व मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और टोटो चालक को अपने कब्जे में लेकर टोटो को जब्त कर थाना ले आई है। घटना के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ घटना स्थल पर उमड़ पड़ी। इधर पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर माहौल को नियंत्रित कर लिया है। जय श्री राम। आज शहर के बाबनपुरी मोड़ के पास प्रतिबंधित मांस फोटो के द्वारा ले जाया जा रहा था, अधिनियम समाज के द्वारा रोका गया और प्रशासन को सुपुर्द किया गया। कितने लोग लेकर के गए जा रहे थे? एक व्यक्ति तो देखा हम लोगों ने, एक व्यक्ति को पता था थाना में अभी है। थाना में नहीं क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहवादी ने शुक्रवार को भंडारी डिरोज से चुनावी कार्यालय में 1 बजे प्रेस वार्ता की। इस मौके पर इन्होंने कल होने वाले मतगणना में भाजपा की जीत को सुनिश्चित बताया। कहा कि कल के मतगणना में भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। यह जीत पूरे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता की होगी। इन्होंने कहा कि चुनाव के पहले क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों का अपार समर्थन मिल रहा था, लोग पहले से भाजपा को जताने को लेकर तैयार थे। इधर गांडे विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मुनिया देवी ने भी अपनी जीत की दावेदारी पेश करते हुए कहा कि जनसंपर्क के दौरान हर जाति समुदाय के लोगों का अपार समर्थन मिला था, निश्चित तौर पर कल के मतगणना में भाजपा की जीत होगी। इन्होंने सभी अपने कार्यकर्ताओं और जनता को साधुवाद दी है। वहीं JMM प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने इंडी गठबंधन की जीत बताते हुए कहा कि एक दिन का और समय बचा है, कल पूरे झारखंड में गठबंधन की जीत होगी। देखिए, जीत के प्रति मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ और जीत की जहाँ तक बात है, ये गिरिडीह की सम्मानित जनता की जीत होगी और हमारे सभी जितने कार्यकर्ताओं ने जो जी तोड़ मेहनत किया है, हमारे साथियों ने जी तोड़ मेहनत किया है और हमारे नेताओं ने जो मार्गदर्शन दिया है, ये उनकी जीत होगी। जनता एक न्यायाधीश के रूप में है और वो पूरी तरह से
सारी वस्तुस्थिति को अच्छी तरह से जान रही है और उन वस्तुस्थिति के खिलाफ जनता मतदान करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। जहां तक मुझे अनुमान है कि बहुत अच्छी खासी हमारी जीत की संभावना बन रही है। मैं सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं जीत के प्रति एकदम बहुत अच्छे से महसूस कर रही हूँ। जो परसों जब चुनाव हुआ, मतदान हुआ तो उसमें पूरा हम केंद्र में देखे, बूथ पर घूम घूम के देखे, अपने से खुद भी देखे और लोगों का 10 बजे से लेकर के जब तक तो बूथ नहीं बंद हुआ, बक्सा नहीं बंद हुआ, तब तक लोगों को फोन आने लगा कि नहीं आप जीत का बधाई ले लीजिए। तो हमारे कार्यकर्ता में बहुत उमंग और जोश के साथ आज हम लोग जीत का सीट को हम लोग हासिल कर रहे हैं। मोर्चा गठबंधन जो है राज्य में कितने सीट जीतने जा रही है? इतना जब आप रुके गए हैं तो एक दिन और रुक जाइए। इस सवाल का क्या जवाब दो रहे हैं? अब कल ही आप ही लोग हम लोग को बताइएगा, बल्कि हम लोग आप लोग को नहीं बताएंगे। आज रात भारी है ना मैडम, तो भारी तो भार मेरे पर मत डालिए ना, आप लोग थोड़ा आप लोग भी भारी रखिए मैडम। आप छोड़ दीजिए मैडम, आप विधानसभा चुनाव के मतगणना स्थल बोड़ो स्थित बाजार समिति में तगड़ी सुरक्षा बंदोबस्त की गई है। शुक्रवार शाम 5 बजे तक यहां मतगणना की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। पूरे मतगणना स्थल में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को लगाया गया है। पूरे परिसर में अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान तैनात हैं। यहां हर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। बताया गया कि यहां निषेधाज्ञा भी लगाई गई है। इस बाबत SP डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल मतगणना स्थल पर तैनात किए गए हैं। 3 और 2 लेयर की सिक्योरिटी यहां दी जा रही है। उनका भी कल जो है P+1 में रहेगा और यहां पे स्ट्रांग रूम में भी हम लोगों ने सुरक्षा के जो भी एज पर ECI गाइडलाइन है, हम लोगों ने स्ट्रांग रूम का 2 लेयर का सिक्योरिटी उसमें अरेंजमेंट किया है। साथ ही साथ जो मतगणना केंद्र है उसका 3 लेयर का सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया है, तो ये प्रॉपर सिक्योरिटी रहेगा। आज जैसे ही EVM उसमें आ जाती है और उसके बाद ये सिक्योरिटी का जो भी लेयर्स है ऑलरेडी फंक्शनिंग में अभी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वहाँ पे EVM जाएगी, प्रॉपर तरीके से उसको उसका रिसीविंग होगा, फिर वो जो भी जिस पर एज़ पर गाइडलाइन है वो फॉलो किया जाएगा। बाजार समिति में मतगणना को लेकर की गई तैयारियों का जायजा शुक्रवार को 6 बजे जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने लिया। इस दौरान उन्होंने मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम, मीडिया सेक्टर, प्रशासनिक भवन, विधानसभा वार बनाए गए काउंटिंग हॉल आदि का अवलोकन किया। साथ ही विधानसभा वार बनाए गए पोस्टल बैलेट व इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट काउंटिंग हॉल का भी जायजा लिया। काउंटिंग हॉल में मतगणना कर्मियों के बैठने, RO टेबल, कंप्यूटर सिस्टम सेटअप, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, लाइट, पंखे, स्ट्रांग रूम से हॉल तक पहुंचने वाले मार्ग में की गई बैरिकेडिंग का मुआयना भी किया। वहां की व्यवस्था संभाल रहे अधिकारियों को प्रत्याशियों के बैठने, मीडिया सेंटर, हेल्प डेस्क, मेडिकल डेस्क, दीदी किचन समेत अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के ऑब्जर्वर रूम, DEO रूम व मीडिया सेंटर में टेलीविजन के साथ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लगाने का निर्देश दिया। मौके पर सभी 6 विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गांडे जामताड़ा मुख्य मार्ग पर बेलाटाण मोड़ के पास शुक्रवार की अहले सुबह 4 बजे एक ट्रक 2 घरों से टकरा गया, जिसमें ट्रक चालक की मौत हो गई। बताया गया कि यहां तेज रफ्तार सीमेंट लदा एक ट्रक रोड किनारे स्थित 2 घरों में घुस गया। बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में चालक की मौत वाहन की स्टीयरिंग में फंसकर हो गई है। इधर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से ट्रक में फंसे चालक के शव को निकाला व अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। जानकारी मिला 3:30 बजे जैसे रात में, हमारी गश्ती पार्टी दी कि एक रोड में एक्सीडेंट हो गया, तभी जैसे आके पहुंच के देखे तो
शायद टकरा गया है घर से, बॉडी भी अंदर है, हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं और फिर आगे का जो प्रक्रिया होगा वो किया जाएगा। इसके परिजन से अगर लोग संपर्क किए, परिजन वाले भी पहुँच गए। चालक कहाँ का सर? चालक है ये आपका भागा का है, धनबाद का। नाम चालक की पहचान अभी विकास यादव के रूप में हुई है, इनसे परिजन से बात हो गई है, लोग पहुँच रहे हैं। सीमेंट कहाँ से कहाँ जा रहा था कोई जानकारी? इसकी जानकारी नहीं है, इसके संबंध में उसके मालिक से बात की जा रही है, जाँच कर लोग जा कर फिर आपको आगे बताएंगे। शहर के बोड़ो में शुक्रवार शाम 5 बजे द ग्रिल सिस्टर्स रेस्टोरेंट का विधिवत उद्घाटन नारियल तोड़कर और फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के पूर्व विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत संचालिका आरती केसरी ने बुके भेंट कर किया। उद्घाटन के बाद उपस्थित लोगों ने द ग्रिल सिस्टर्स रेस्टोरेंट की संचालिका आरती केसरी को अपनी शुभकामनाएं दी। इस बाबत संचालिका आरती केसरी ने बताया कि द ग्रिल सिस्टर्स रेस्टोरेंट गिरिडीह शहर का पहला ग्रिल एंड बारबेक्यू रेस्टोरेंट है। यहां कुशल कारीगरों द्वारा प्योर हाइजीनिक तरीके से एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन तैयार किया जाएगा, जिसका स्वाद लोग भूल नहीं सकेंगे। उन्होंने बताया कि उद्घाटन अवसर पर सप्ताह दिन तक 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। संचालिका ने शहरवासियों से अपील किया कि लोग एक बार अवश्य उनके रेस्टोरेंट आए और जायकेदार व्यंजन का स्वाद ले। उद्घाटन अवसर पर ममता यादव, पिंकी यादव, नीलू यादव, दीपा मंडल, पूजा वर्मा, विद्या देवी, रेणु केसरी, जूही रानी, रितेश केसरी, जितेंद्र यादव, अजय यादव, नरेश कुमार वर्मा, सौरभ केसरी, उमेश केसरी आदि उपस्थित थे। ये द ग्रिल सिस्टर्स ग्रिडी का फर्स्ट ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें आपका ग्रिल आइटम मिलेगा। ये आपका बोरो में पचम्बा रोड में ओपनिंग हुआ है इसका, और आज 21st को ही ओपनिंग हुआ है। सो प्लीज कम आइए और टेस्ट कीजिए, देखिए कैसा लगता है। हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है ग्रिडी वालों के लिए, प्लीज कम, थैंक यू। गिरिडीह के सभी 6 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की कल सुबह 8 बजे होगी मतगणना। 400 कर्मी अलग अलग राउंड में इस प्रक्रिया को करेंगे पूरा। पोस्टर बैलेट की होगी पहली मतगणना, पीसी ने दी जानकारी। बोड़ो स्थित बाजार समिति परिसर के 200 मीटर परिधि में लगाया गया निषेधाज्ञा। कल होने वाले विधानसभा चुनाव के मतगणना को लेकर एसडीएम ने जारी किया आदेश। सुरक्षा बलों और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है पूरा ब्रजगिरी। चैता डी मातृत्व अस्पताल में पीडियाट्रिक वार्ड का सीएस वान ने अधिकारियों ने किया उद्घाटन। 0 से 12 साल के बच्चों को मिलेगा बेहतर इलाज, गंभीर अवस्था में भी होगा बच्चों का यही इलाज। बावनटोली मोड़ के समीप प्रतिबंधित मांस लोड एक टोटो को किया गया जब्त, चालक की कर दी धुनाई। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस, मांस समेत टोटो को किया जब्त, चालक से कर रही पूछताछ। और कल मतगणना के साथ ही प्रत्याशियों के सजेंगे सरपरताज। आज तक सभी प्रत्याशियों ने अपने अपनी जीत को लेकर ठोका दावा, कल ईवीएम खुलने के बाद होगा फैसला। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।